मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर प्रदेश में विकलांग और निशक्त जनों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनके नुमाइंदे ही सीएम की मंशा पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, दरअसल बुधनी में विकलांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीहोर जिले से आए डॉक्टर्स पर लोगों ने नाराजगी जताई। इन्होंने बताया कि शिविर में नए विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे और जो विकलांग अपने प्रमाण पत्र को नवीनीकरण कराने के लिए लाते हैं उन्हें भी इलाज के लिए लिख दिया जाता है, जिस वजह से विकलांग अब परेशान हो रहे हैं। 20 साल बाद क्या इलाज कराओ, हम तो पेंशन के लिए कर रहा विकलांग आदमी, हमारा 2010 का बना ये रफ्ता लिख दिया, रफ्ता लिख दिया, देख लो आप इसकी फोटो, इलाज के लिए और ये क्या लिख दिया ऊपर हो चुके सवेरे 10 बजे से हम लोग भूखे प्यासे जहाँ मतलब खड़े हैं लाइन में, भूखे प्यासे पैर सूज रहा है, ये रिलू नहीं हो रही है, मतलब ये कैंसिल हो रही है।